रही हो? नंदिनी, तुम इसकी मृत्यु तो उसी दिन निश्चित हो गई थी जिस दिन इसने मुझसे विवाह के विषय में सोचा था। तुमने मेरे भाइयों को मारा, मेरे पिता महाराज की हत्या की, तुमने सोचा कैसे कि मैं तुमसे विवाह करूंगी? विवाह होगा, अवश्य होगा, परंतु मृत्यु से, और मृत्यु के साथ तुम्हारा ये बंधन मैं बांधूंगी। चंद्र, चंद्र तुम्हें बांध लगा था, बांध लगा तुम्हें, तुम ठीक हो ना? अरे मैं तो ठीक हूँ, लेकिन तुझे क्या हुआ? मुझे? हे ईश्वर, चंद्र बहुत अच्छा हुआ कि ये रात का स्वप्न था, अगर सुबह का स्वप्न होता तो सच हो जाता। तू सपने से डर गई पागल? ये सब तुम्हारे कारण हुआ है। अरे क्या मेरे कारण हुआ है? और नहीं तो क्या, तुम्ही ने तो बताया था कि सुबह चाणक्य जी ने ये कहा कि तुम्हारा विवाह उन्होंने नंदिनी के साथ तय कर दिया। बस वही मेरे मन में रह गया भय बनकर, और मैंने ये स्वप्न देखा कि नंदिनी यहाँ आई और उसने तुम पे तीर मार दिया। जाओ, मैं तुमसे बात नहीं करती। अरे तुम ऐसे कैसे सो गए? अगर वो आ गई और उसने तुम्हें बाण मार दिया तो हम क्या करेंगे? अरे क्या इतना डर लगता है तुझे? मैं किसी से नहीं डरती। पहनो इसे। अरे क्या कर रही है? चुप रहो, चुपचाप पहनो। अब अगर नंदिनी आएगी ना और बाण मारेगी तो तुम्हें कुछ भी नहीं होगा, ठीक है? अब हमें उससे डरने की जरूरत नहीं है। पर ये हाथ भी नीचे रखो, हाथों को भी कुछ ना हो जाए। दुर्धरा कोई कवच पहन के कैसे सो सकता है? वो मैं नहीं जानती, वो तुम देखो। मनुष्य को नींद आए तो वो कांटों पे भी सो सकता है। सो जाओ। पिता महाराज, तुम क्यों छोड़ के चले गए मुझे? मैं नहीं जी सकती आपके बिना। उस चंद्र के साथ विवाह से तो बेहतर है कि मैं आत्महत्या कर लूं और आपके पास आ जाऊं। ये विष तेरी यात्रा सरल बना देगा। शारदा
आपको जीना होगा चंद्र के लिए, जीना होगा। मत भूलिए कि अब तो उन्होंने साथ में क्या स्वप्न देखा है। अब उसे भारत का भविष्य बनाना है। आपका स्वप्न पूरा हो गया है आर्य। बोलो श्री महाराजा चंद्रगुप्त मौर्य की जय। मगध नरेश, मगध की प्रजा अपने राजा का संबोधन सुनने के लिए उत्सुक है। आइए अपनी प्रजा को संबोधित करें। मगध महाराज चंद्रगुप्त मौर्य की जय। मैं विष्णुगुप्त चाणक्य मगध को उसका नया नरेश भेंट करता हूँ। महाराज चंद्रगुप्त मौर्य। मगध महाराज चंद्रगुप्त मौर्य की जय। मगध महाराज चंद्रगुप्त मौर्य की जय। नहीं चंद्रगुप्त, आज मैं नहीं बताऊंगा कि क्या करना है और क्या कहना है। तुम स्वयं अपनी प्रजा को संबोधित करो। अब सबको चंद्रगुप्त मौर्य का प्रणाम। मैं आज पूरे देश को संबोधित करते हुए केवल इतना कहना चाहूंगा कि भले ही आपका राजा बदल गया, किंतु आज भी राज्य वही है। कि भले ही ध्वज पर लगा चिन्ह बदल गया हो, किंतु ध्वज वही है। क्योंकि राजा आते जाते रहते हैं, पर राज्य सदैव वही रहता है। राज्य राजा से नहीं अपितु प्रजा से बनता है। राजा को राजा कौन बनाता है? उसकी प्रजा। तुम सुन रहे हो ना चंद्र? हाँ, ये स्मरण रहे कि राजा से राज्य, राज्य से राजधानी, राजधानी से प्रजा नहीं बनती, अपितु प्रजा से राजधानी, राजधानी से राज्य और राज्य से राजा बनता है। मूरा, तुम्हें अंदर चलकर आराम करना चाहिए। नहीं नहीं, ये जो कह रहे हैं ना, मैं चाहती हूँ वो मेरे पुत्र सुने। एक राजा तो केवल संचालक होता है, पालक होता है। वास्तविकता में एक राज्य की शक्ति उसकी प्रजा होती है। फिर चाहे एक राजा हो या प्रजा, हम सब का लक्ष्य केवल एक होना चाहिए, हमारे राज्य का विकास और हमारी मातृभूमि की रक्षा। जो हमारी मिट्टी के साथ द्रोह करेगा, उसे इसी मिट्टी में मिलना होगा। फिर चाहे वो विदेशियों से हो या हमारे घर के अंदर बैठे विभीषणों से, क्योंकि यह धरती मेरी माँ है, यह मेरी मातृभूमि। भले ही माँ भिन्न प्रकार से अपनी संतान को अपनी तरह से प्रेम करे, किंतु तब भी कभी माँ को बेचा नहीं जाता है। आज हम जो भी हैं, हमारे पास जो भी है, हमारी माँ के कारण है, हमारी मातृभूमि के कारण है, इस माटी के कारण है। इसलिए आज मैं आप सबके समक्ष एक महत्वपूर्ण घोषणा करना चाहूंगा कि आज से मगध के महामंत्री वो होंगे जिनके मार्गदर्शन के कारण चंद्र बन पाया, जिनका मस्तिष्क इस चंद्रगुप्त को संचालित करता है। जो यदि श्वास भी लेते हैं तो ये सोचकर कि क्या ये श्वास मेरे राज्य के हित में होगा। आज सब के समक्ष प्रस्तुत हैं मेरे पिता समान मेरे आचार्य आचार्य विष्णुगुप्त चाणक्य। आचार्य चाणक्य की जय। आचार्य चाणक्य की जय। आज से सारे अमात्य और मित्र राजा इनके निर्देश अनुसार ही अपना कर्तव्य निभाएंगे। मैं एक और महत्वपूर्ण घोषणा करना चाहूंगा कि आज से राज्य और उसकी प्रजा पर लगाए समस्त कर, जैसे विवाह कर, सुरक्षा कर या अन्य कर, उन सबको समाप्त किया जाता है। मगध महाराज चंद्रगुप्त मौर्य की जय। बहुत बड़ा दिन था वो। मगध को उसका महान सम्राट नहीं बल्कि भारत को वो संचालक मिला जिसके राज्य में पूरे देश का सुनहरा काल लौटने वाला था। स्टार प्लस के YouTube पेज पर आने के लिए आपका धन्यवाद। अपने फेवरेट शोज देखने के लिए
subscribe to Star Plus YouTube page and hit the bell icon.